हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज दुर्गा पूजा आ रहा है पास में ही, इसलिए एक ब्यूटीफुल सा अष्टमी लुक शेयर करने वाली हूँ। अष्टमी में सादा साड़ी, लाल पर साड़ी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक साड़ी पहनने, उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है क्लिनजिंग। मैंने एक वाइप से फेस को क्लीन कर लिया, उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने मेरे फेस में टोनर अप्लाई कर लिया। ये नया वाला टोनर है गुड वाइब्स का, बहुत अच्छा टोनर है। अब अच्छे तरीके से टोनर को मैंने मेरे फेस में एब्जॉर्ब होने दिया। आप 2-3 मिनट ज़रूर समय देना टोनर को एब्जॉर्ब होने में। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया है। समर के टाइम में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है। यह है पॉन्ड सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है समर के लिए। उसके बाद मैंने नॉर्मल सा आईब्रो जेल लेके अच्छे से मेरे आईब्रो को डन कर लिया है। मैं आईब्रो को थोड़ा सा ही ऊपर से, मेरे थ्रेडिंग प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा डन कर लिया आईब्रो को। देन मैंने स्पूली से अच्छे से मेरे आईब्रो को ब्रश कर लिया इक्वल लगने के लिए। देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा आईब्रो। उसके बाद इनसाइड का एक प्राइमर लिया है, ये मैंने 180 में ख़रीदा था। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, बट आप बहुत ज़्यादा गर्मी में जा रहे हो तो आप प्राइमर स्किप करके मैजिक ड्रॉप यूज़ करना। उसके बाद मैं एक ड्यूवी लुक चाह रही थी, इसलिए मैंने फॉरवर्ड 52 का ये जो छोटा वाला फाउंडेशन होता है, मैं वो वाला यूज़ कर लिया था। बट मैंने फेस करेक्ट करना भूल गई थी, इसलिए फर्स्ट मैंने फेस को करेक्ट कर लिया है। फॉरवर्ड 52 का डार्क कंसीलर सेट लेकर अच्छे से मैंने मेरे फेस को करेक्ट कर लिया है। अब मैं उस फाउंडेशन से ही मेरे आईब्रो को शेप दे दूंगी अच्छे तरीके से। मैंने ये वाला मेकअप लुक कंप्लीट किया था 30 मिनट्स में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सुबह रेडी होने के लिए, 30 मिनट्स इनफ इस मेकअप के लिए। देख सकते हो मैंने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। बट आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो फर्स्ट ब्रश से ब्लेंड करना, उसके बाद ब्लेंडर से ब्लेंड करना। मैं एक ड्यूवी फिनिश मेकअप कर रही हूँ, इसलिए मैं क्रीम कंटूर कर लिया। ये है 150 का कंटूर, मैंने ये इन वाइवे का कंटूर है, मैं इसको यूज़ कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मिनी ब्लेंडर से अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत खूबसूरती से ब्लेंड हो रहा है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस, यह है क्रीम ब्लश, बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया। आप क्रीम ब्लश जब भी यूज़ करना, फर्स्ट आपके हैंड में या आपका मिक्सिंग पैलेट में लेके उसके बाद यूज़ करना, डायरेक्ट कभी भी यूज़ मत करना। जो ब्लश का एक स्पॉट हो जाता है वो आप कभी भी नहीं मिटा सकते हो। बस देख लिया, फर्स्ट मैंने ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लिया, उसके बाद मैं ब्लेंडर लेके ब्लेंडर से भी अच्छे तरीके से मैंने ब्लश को ब्लेंड कर लिया है। आप ब्लेंडर से देख सकते हो बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली मैंने ब्लेंड कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से। देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्लश, बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट पाउडर शेड करने के बाद, हाइलाइटर देने के बाद ये शेड थोड़ा सा गिर जाएगा। मैं एक बहुत अच्छा पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, ये PSC का स्पॉटलाइट पाउडर है। ये 180 में आ जाएगा शायद से, नायका में 1000 समथिंग का है ये प्राइस, मुझे ठीक याद नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी सारे प्रोडक्ट का। अच्छे से मैंने फेस को सेट कर लिया। आपके फेस ऑयली स्किन है तो आप बेकिंग करना, बट मेरा ड्राई स्किन है इसलिए मैंने जस्ट सेट कर लिया। उसके बाद मैंने इनवाइवे का एक सेटिंग स्प्रे के अच्छे से मैंने मेरे बेस को सेट कर लिया है। अब मैं करूँगी मेरे आई मेकअप। मैं आई मेकअप एकदम न्यूड आई मेकअप करूँगी। फर्स्ट मैंने किया कि एक डार्क ब्राउन शेड लेके मेरे जो क्रीज लाइन है उसके अंदर मैंने अप्लाई कर लिया है दोनों आँखों में। देख सकते तो बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। अब मैं एक येलो ऑरेंजी शेड लेके क्रीज लाइन के ऊपर एक थोड़ा सा शेड दे दूंगी। ये है मेरा आई मेकअप, ये बहुत अच्छा भी लगता है। अभी मैं सेम कलर लेके मेरे अंडर आईज पे भी अच्छे से अप्लाई करके स्मज कर लिया है। देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है आई मेकअप, एकदम नेचुरल सा आई मेकअप लग रहा है, देख सकते हो। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करना, नहीं तो आपका आई मेकअप नहीं अच्छा लगेगा। अब मैं बहुत अच्छे तरीके से एक लाइनर अप्लाई करूँगी, ये मेबेलिन का लाइनर। ये बहुत अच्छे से एक लाइनर है, बहुत एफोर्डेबल प्राइस में, ये 250 में आ जाएगा, बट बहुत अच्छा लाइनर है। बट अब मैं एक काजल यूज़ करने वाली हूँ, ये प्लम का काजल है, देख सकते हो ये काजल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत काजल है। ये शायद से मैंने 300 का लिया था, देख सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत काजल है। आपका आइस छोटी होगा तो आप काजल को स्किप कर सकते हो, बट मेरा बड़ा बड़ा आइस है इसलिए मैंने अच्छे से काजल लाइनर दोनों को ही अप्लाई कर लिया। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मस्कारा। ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, डबल कोटेड मस्कारा है, बट एक ही स्पूली के अंदर से दोनों
कोड बाहर आता है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन का हाइलाइटर। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, शायद से मैंने ये 1 साल पहले या 2 साल पहले ख़रीदा था 650 का, बट अभी प्राइस इसका कम हो गया है, 500 के अंदर अंदर आप आ जाओगे ऑफ़र में। ये हाइलाइटर रेगुलर यूज़ करने के वाला और आप सेल यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा हाइलाइटर है। मैंने मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट को अच्छे से हाइलाइट कर दिया। अब मैं मेरे छोटे से एक ब्रश लेके इनर कॉर्नर को और मेरे ब्राउज के नीचे से अच्छे से हाइलाइट करूँगा। अब मैंने थोड़ा सा कम हाइलाइटर यूज़ किया है। अब मैं डिलेंसी का एक लिपस्टिक पैलेट लेके रेड कलर एंड पर्पल कलर मिक्स करके एक मरून सेट आया है ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला शेड। इसको अच्छे से मैंने लिप को ड्रॉ कर लिया है। मेरे को ठीक से लिप ड्रॉ करना नहीं आता मेरी लिप को, बट मैं लोगों को लिप को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। देख सकते हो मैंने मेरे लिप को ड्रॉ करके लूज़ पाउडर से अच्छे से इस लिपस्टिक को सेट कर लिया। उसके बाद मैंने मेकअप को और एक बार अच्छे से सेट कर लिया। अब बारी है मेन चीज़, ये वाला रेड बिंदी, हमारे लैंग्वेज में इसको टिप कहते हैं, ये वाला रेड टिप। इसको मैंने आई शेडो से थोड़ा सा मरून कर लिया है। देख सकते हो ये पूरा लुक चेंज कर दे, गेम चेंजर प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने माँ दुर्गा का एक पेंडेंट वाला हार पहन लिया है। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मेकअप वीडियो में। स्टे ट्यून्ड इन माई चैनल। बाय बाय।